आगे बढ़ते हैं। झांसी में रेल सुरक्षा बल आरक्षक नरपाल सिंह एक गर्भवती महिला के लिए देवदूत बनकर आए। महिला बरानी ग्वालियर मेले में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, इसी दौरान महिला ट्रेन के नीचे चली गई। हालांकि समय रहते अपनी सूझबूझ से आरक्षक नरपाल सिंह ने उसे बचा लिया। देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, गर्भवती महिला के लिए किस तरीके से रेल सुरक्षा बल आरक्षक देवदूत बनकर सामने आए। इन तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, महिला ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करती है और चलती ट्रेन में चढ़ने की वजह से वो गिर जाती है। मौका रहते समय रहते उसे बचा लिया जाता है, खींच लिया जाता है, वरना बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। देखिए ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से महिला ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करती है, गर्भवती महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करती है, जिसके बाद आरक्षक वहां पर पहुंचते हैं और इस महिला को बचा लिया जाता है, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरीके की तस्वीरें पहले भी कई बार सामने आ चुकी है, जब चलती ट्रेन में लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं और हादसे का कई बार शिकार हो जाते हैं और कई बार हादसे का शिकार होते होते बचते हैं। गनीमत ये रही कि ये महिला सुरक्षित है। आगरा के ताजगंज में युवती की हत्या से सनसनी मच गई। युवती को बिल्डिंग से फेंक दिया गया, बिल्डिंग से गिरते हुए युवती का सीसीटीवी भी सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रेम प्रसंग के चलते युवती की हत्या की गई थी। अब ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आगरा के ताजगंज में युवती की हत्या हुई है, युवती को बिल्डिंग की पांचवी मंजिल से फेंका गया है और ये जो पूरी घटना है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से युवती के मर्डर की साजिश रची गई और उसके बाद पांचवी मंजिल से उसे नीचे फेंक दिया गया। जानकारी ये भी लग रही है कि प्रेम प्रसंग के चलते युवती की हत्या की गई है। वहीं जौनपुर में एक क्षेत्र पंचायत सदस्य के घर पर दबंगों ने ईंट पत्थर से हमला कर दिया। घर के सदस्यों को पीटने के साथ घर में तोड़फोड़ भी की गई। अब हमले का वीडियो वायरल हो रहा है, पीड़ित ने पुलिस को भी सूचना दी है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से घर पर ईंट पत्थर से हमला किया जा रहा है। दबंगों ने घर पर ईंट पत्थर चलाए हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य के घर पर हमला किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से घर पर ईंट पत्थर से हमला किया जा रहा है। जौनपुर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य के घर पर हमला किया गया है। दबंगों ने घर पर ईंट पत्थर चलाए हैं और उसकी ये तस्वीरें भी सामने आई है। देखिए किस तरीके से ईंट पत्थर घर पर चलाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं उन्नाव की। उन्नाव में जिला अस्पताल के सामने बीच सड़क पर कुछ युवक आपस में भिड़ गए, मारपीट हुई और दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज भी हुई। देखिए वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उन्नाव से, किस तरीके से बीच सड़क पर युवकों में मारपीट हुई, हंगामा हुआ, किसी बात को लेकर बहस हुई, बहस के बाद मारपीट होने लगी और बीच सड़क पर ही हंगामा चलता रहा। सोशल मीडिया पर मारपीट का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से बीच सड़क पर ही दो युवकों में मारपीट होने लगी, झगड़ा होने लगा, मामूली सी बात को लेकर ही झगड़ा हुआ और झगड़ा मारपीट में तब्दील हो गया और उसके बाद ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी कल वाराणसी के दौरे पर रहेंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे, विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा करेंगे, कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करेंगे, चाइल्ड केयर सेंटर का निरीक्षण भी करेंगे, काल भैरव मंदिर भी योगी आदित्यनाथ जाएंगे। सीएम योगी कल से दो दिवसीय वाराणसी के दौरे पर रहने वाले हैं, वाराणसी में अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी लेंगे, बाबा विश्वनाथ के धाम पर भी पहुंचेंगे, नमो घाट जाएंगे, प्रधानमंत्री के संभावित दौरे की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के आगामी प्रस्तावित दौरे से पहले दो दिवसीय दौरे पर आज मुख्यमंत्री, आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल काशी के दौरे पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के अगले महीने जुलाई के पहले सप्ताह में ही अपने संसदीय क्षेत्र में वाराणसी दौरे पर आने की संभावना है, जिसको लेकर पहले से तैयारियों का जायजा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। इसके अलावा विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे, काल भैरव मंदिर भी जाएंगे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे, इसके साथ साथ अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक भी लेंगे।
तो कल वाराणसी का दौरा है योगी आदित्यनाथ का, महत्वपूर्ण दौरा है। बैठक भी लेनी है, जनप्रतिनिधियों से संवाद भी करना है और इस दौरान दर्शन पूजन करते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आएंगे। वहीं कल सीएम योगी यूपी के ग्रामीण इलाकों के लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। कल सीएम 10 लाख से अधिक ग्रामीणों को उनके घरौनी प्रमाण पत्र देंगे। प्रदेश के कुल 68,641 गांव में ड्रोन सर्वे का काम हो चुका है। घरौनी प्रमाण पत्र मिलने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी विवादों को विराम लगेगा। आपको बता दें कि ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र मिलने से काफी राहत मिलेगी, उनके लिए बैंकों से लोन लेना काफी आसान हो जाएगा। अन्य जरूरी सेवाओं को हासिल करने में भी घरौनी के दस्तावेज उनके काम आ सकेंगे। तो कल ग्रामीणों के लिए बड़ा दिन है, बड़ी सौगात उन्हें मिलेगी। 10 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। घरौनी प्रमाण पत्र से ग्रामीणों को बैंक से लोन लेना काफी आसान हो जाएगा। पर यूपी के विकास के लिए दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठकें और मुलाकात की। सीएम योगी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर परिवहन, पर्यटन समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। ब्रिज क्षेत्र विकास को लेकर सीएम योगी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। ब्रिज 84 कोस परियोजना, ब्रिज तीर्थ पथ परियोजना, गोवर्धन कनेक्ट परियोजना पर नितिन गडकरी से बात हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सीएम योगी ने मथुरा वृंदावन रेल मार्ग के संबंध में बातचीत की। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल से वृंदावन मथुरा गोकुल को जोड़ते हुए यमुना नदी पर जलमार्ग को विकसित किए जाने को लेकर भी चर्चा हुई। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी से ब्रिज क्षेत्र में पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहरों के पुनरुद्धार पर भी चर्चा हुई। तो विकास पर योगी आदित्यनाथ ने महामंथन किया है और इस बार फोकस पूरी तरीके से ब्रज क्षेत्र पर रहा है, यानी कि मथुरा वृंदावन गोकुल, इसमें किस तरीके से विकास किया जाए, किस तरीके से जलमार्ग को जोड़ा जाए, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, इन तमाम पहलुओं पर अलग अलग मंत्रियों से चर्चा की है, महामंथन किया है और बातचीत की है। रामपुर के चुनाव नतीजे 26 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले रामपुर के सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने मतगणना को लेकर चुनाव आयोग से अपील की है। उन्होंने कहा, निष्पक्ष मतगणना के लिए अगर कुछ समय लगता है तो मतगणना को आगे बढ़ाएं। इसमें सबसे पहले ये है कि किसी कार्य अधिकारी का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पिछले विधानसभा के चुनाव में हस्तक्षेप हुआ था, किसी भी कार्य अधिकारी का हस्तक्षेप न हो, मंत्री अधिकारियों की जिम्मेदारी है मतगणना कराना। वो जो स्थानीय अधिकारी मतगणना कराएंगे उनसे हमारी मांग ये है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार मतगणना कराएं, कोई जल्दबाजी न करें, कोई मसला न हो। वहीं एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज अपना नामांकन कर दिया। संसद भवन के कमरा नंबर 29 में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी से सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। अब 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। अब देखने वाली बात यह होगी, जब यशवंत सिन्हा अपना नामांकन करेंगे तो क्या उसी तरीके से जिस तरीके से एनडीए ने अपने प्रत्याशी के नामांकन के दौरान एकजुटता दिखाई है, एक साथ नजर आए हैं, उस तरीके से क्या पूरा विपक्ष भी एक साथ नजर आएगा, ये देखने वाली बात। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही अपना समर्थन दे चुके हैं और आज उन्होंने अपने विधायकों और सांसदों के साथ लखनऊ में बड़ी बैठक की। इस दौरान राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई और साथ ही पार्टी के सभी विधायकों और सांसदों से प्रस्तावक के तौर पर नामांकन पत्र पर दस्तखत भी करवाए गए। संपूर्ण विपक्ष महामहिम राष्ट्रपति जी के चुनाव में प्रतिभाग कर रहा है और उनके लिए ज्वाइंट कैंडिडेट भी उसने उतारे हैं, उस पर हम लोगों को प्रतिभाग करना है और उनके साथ रहना है। उनके प्रस्तावक में हस्ताक्षर के लिए आज विधायकों को बुलाया गया था और चुनाव पर चर्चा हुई। तो सारे विधायक आए थे आपके? 111 विधायक हैं, सांसद, राज्यसभा, लोकसभा, सब लोग आए थे? 111 नहीं, हमारा अलायंस 124 का है, परंतु मैं समझता हूं कि आज तो केवल प्रस्तावक बुलाए गए थे। तो हर राजनीतिक दल का अधिकार है कि वो अपने विधायकों और सांसदों को बुला के बात करे, चर्चा करे, लेकिन मैं तो यही कहूंगा उन लोगों से कि
कि विरोध अगर विरोध कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है, वो भी बताएं जनता को कि वो आखिर क्यों एनडीए द्वारा घोषित प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। अगर कोई कारण है तो वो कारण जनता के बीच में भी आना चाहिए। केवल विरोध करने की राजनीति अगर कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। और जैसा आप भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी की ओर चल चुकी है, तो कोई ऐसा अंतर नहीं पड़ता है। अगर वह विरोध भी करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अग्निपथ योजना के विरोध में यूपी में शहर शहर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। आपको यूपी के चार जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां किसानों ने प्रदर्शन किया। पहली तस्वीर सिद्धार्थनगर की है, यहां अग्निपथ योजना के विरोध में भाखियों के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं महोबा में भी किसानों का हल्ला बोल देखने को मिला। वहीं श्रावस्ती में अग्निपथ योजना को लेकर किसानों में नाराजगी नजर आई, उन्होंने इस योजना का विरोध किया। वहीं बरेली में भी किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। देखिए चार अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां भाखियों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कहीं हाथ में तख्ती लिए बैनर लिए और कहीं पर नारेबाजी की जा रही है। वहीं अग्निपथ योजना के खिलाफ नरेश टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार जल्द से जल्द इस काले कानून को वापस नहीं लेगी तो जल्द ही सरकार के खिलाफ किसान बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और ये देखिए मुजफ्फरनगर से तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर हाथ में तख्ती लिए पोस्टर लिए बैनर लिए ये भाखियों के कार्यकर्ता नजर आए, जहां पर जय जवान जय किसान जैसे नारे लगाए गए। और नरेश टिकैत ने चेतावनी भी दी है कि अगर इस योजना को वापस नहीं लिया जाता है तो एक बार फिर से किसान सड़कों पर नजर आएगा, बड़ा प्रदर्शन करेगा। चलो कोई बात नहीं। देखिए अलग अलग जगह से प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने चेतावनी भी दी है कि सरकार जल्द से जल्द इस कानून को वापस ले, नहीं तो किसान आंदोलन करेगा। कानपुर और प्रयागराज में जुमे की नमाज के दौरान हिंसा के बाद आज शुक्रवार को नमाज के दौरान शांति दिखी। यूपी में शहर शहर नमाज शांतिपूर्वक तरीके से अदा की गई। आपको अब पांच तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर कानपुर की है जहां नमाज के दौरान मस्जिदों में शांति का माहौल दिखाई दिया। वहीं लखनऊ और गोरखपुर में भी नमाज शांति से अदा की गई। आगरा और वाराणसी में भी नमाज के दौरान माहौल शांति भरा नजर आया। देखिए पांच अलग अलग जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा और गोरखपुर, जहां पर आज का शुक्रवार शांतिपूर्ण तरीके से निकला। पिछले शुक्रवार ये जो सिलसिला है 3 जून से शुरू हुआ और उसके बाद लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया और आज शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा की गई। यूपी सरकार प्रदेश भर में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए मिशन मोड में काम पर जुटी हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अफसर खुद सरकार की इस मुहिम पर पलीता लगाने में जुटे हैं। ऐसा ही एक मामला हापुड़ से सामने आया है जहां एक होम्योपैथी क्लिनिक पर आज एसडीएम दिग्विजय सिंह ने छापा मार दिया। अचानक हुई इस छापेमारी से होम्योपैथी क्लिनिक में हड़कंप मच गया क्योंकि इस क्लिनिक की आड़ में वहां पर एक फर्जी नर्सिंग होम चलाया जा रहा था जहां अवैध रूप से डिलीवरी और गर्भपात करवाने का खेल चल रहा था। ये एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे एक अवैध रूप से एक अबॉर्शन किया जा रहा है, अबॉर्शन के द्वारा और भी विभिन्न माध्यमों से यहाँ पे अनैतिक कार्य किए जा रहे थे, तो उस शिकायत के बेसिस पे मैं और सीएससी प्रभारी हमारे उनके द्वारा यहाँ छापेमार कार्रवाई की गई थी। एसडीएम की छापेमारी के दौरान इस नर्सिंग होम में कई ऐसी दवाएं भी बरामद हुई हैं जिनका इस्तेमाल विशेषज्ञ डॉक्टर्स की देखरेख के बगैर करना पूरी तरीके से गैर कानूनी है। जांच पड़ताल में क्लिनिक से गाजियाबाद शिक्षा विभाग के कई अफसरों के नाम की फर्जी मोहरें भी बरामद हुई हैं। कुछ मोहर मिली हैं जैसे उसमें हमारे बीएसए हापुड़ और बीएसए गाजियाबाद और विभिन्न मोहरें हैं और साथ में ही है विभिन्न दवाइयां जो बिल्कुल इलीगल हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक होम्योपैथी क्लिनिक में फर्जी तरीके से नर्सिंग होम चलाए जाने की बात जिला स्वास्थ्य विभाग को कैसे पता नहीं चली, क्योंकि शिकायत मिलने पर इस क्लिनिक को पहले ही सील किया जा चुका था। की जा रही है कि कैसे सील खुली थी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो किस नाम से क्लिनिक है ये? ये अभय होम्यो हेल्थ सेंटर करके है।
स्वास्थ्य विभाग में गंभीर लापरवाही का ऐसा मामला तब सामने आया है जब यूपी के स्वास्थ्य मंत्री खुद जिले जिले जाकर स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अगर आप काशी यानी कि वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो यहां आप हिंदी अंग्रेजी के साथ संस्कृत में भी अनाउंसमेंट होते हुए सुन सकेंगे। यहां कोविड संबंधी सावधानी और प्रोटोकॉल का ऐलान हिंदी अंग्रेजी के अलावा संस्कृत में भी किया जा रहा है। कोरोना से सावधान करने वाली ये आवाज आपको वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर सुनाई देगी। दिलचस्प है, यहाँ अनाउंसमेंट हिंदी या अंग्रेजी में नहीं बल्कि संस्कृत में की जा रही है। दरअसल काशी की पहचान एक धार्मिक और आध्यात्मिक नगर के साथ साथ संस्कृत भाषा से भी है। काशी को संस्कृत भाषा का पीठ स्थान कहा जाता है। ऐसे में कई लोगों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के इस फैसले का स्वागत किया है। मेरे ख्याल से संस्कृत का प्रथम विश्वविद्यालय भी यहाँ स्थापित हुए थे और अभी BHU का प्राध्यापक प्रोफेसर द्विवेदी से हम जब एक कार्यक्रम में संस्कृत के कार्यक्रम में मिले थे तो उन्होंने अनुरोध किया था कि एयरपोर्ट में संस्कृत भाषा के उपयोग किया जाए। तो हमारे प्रोटोकॉल जो कोविड प्रोटोकॉल के अनाउंसमेंट है वो हम हिंदी और इंग्लिश में यहाँ करते थे तो हमने उनको अनुरोध किया कि सिंपल संस्कृत में वो हमारे लिए बना दे और उन्होंने बना कर दिए और उसको हम उपयोग में लाने लग गए। इतना ही नहीं, वाराणसी एयरपोर्ट से रोजाना लगभग 7,000 यात्रियों की आवाजाही होती है। ऐसे में पहले यहाँ VIP लॉन्च में वाराणसी की अद्भुत संस्कृति को तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश हुई है। एयरपोर्ट के बाहर भगवान बुद्ध और त्रिशूल के साथ डमरू की प्रतिमा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अब यहाँ संस्कृत की अनाउंसमेंट पर्यटकों को खूब भा रही है। हम वाराणसी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो अनाउंसमेंट हो रही है वो संस्कृत में हो रही है, लेकिन इसके मायने क्या है यात्रियों से जानते हैं। कितना प्रभावी? नहीं, प्रभावी तो अभी नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों को जानकारी है और जो समझ पा रहे हैं वो समझ पा रहे हैं। जैसे कोरोना संबंधित नियमों के विषय में बताया जाता समझ पा रहे हैं, प्रस्थान समझ पा रहे हैं कि फ्लाइट जाने वाली है उसको समझ पा रहे हैं। सर, हिंदी इंग्लिश में तो यूजुअली हर जगह होती है अनाउंसमेंट्स, और मतलब अगर साउथ में जाएंगे तो उनकी भाषा में कभी कभी अनाउंसमेंट्स होती हैं। तो जैसे बनारस एक काफ़ी धार्मिक शहर है तो यहाँ की मातृभाषा पहले संस्कृति हुआ करती थी, और इसमें अनाउंसमेंट हो रही है तो अच्छी बात है। अब देखिए, ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग असली में काशी में हैं, क्योंकि हमारी जो पुरानी मातृभाषा संस्कृत है अब उसको लागू किया जा रहा है, लोग उसकी तरफ जिज्ञासा दिखाएंगे। लगता है कि एटलीस्ट अपनी कंट्री का कुछ कल्चर प्रिजर्व हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली इंग्लिश तो सब लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, इंग्लिश के लिए तो सब ट्राई कर रहे हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए, बट द पॉइंट इज कि संस्कृत को जानना, संस्कृत लैंग्वेज आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और काशी में जब जानते हैं हम लोग कि कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे तो जरूर होना चाहिए संस्कृत। वाराणसी एयरपोर्ट अथॉरिटी के इन प्रयासों की आज हर जगह तारीफ हो रही है। इससे आने वाले दिनों में पर्यटकों को एयरपोर्ट की ओर आते ही काशी की आध्यात्मिक छवि सुकून देगी। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास के लिए जल शक्ति के साथ कई जरूरी विषयों पर भी बातचीत की। देखिए मुलाकात के दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की विकास योजनाओं को लेकर बातचीत हुई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात पुष्कर सिंह धामी ने की है। चलिए इन तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।